हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हमारे सॉलिड स्टेट का पार्ट टू ऑफ डिफेक्ट्स इन सॉलिड। लास्ट टाइम हमने कवर किया था स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड, दिस टाइम वील बी कवरिंग नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड। ऑलराइट, सो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की अगर बात करें या रिकैपिचुलेट करें तो आई हैव टोल्ड यू इन केस ऑफ स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट उसमें जो स्टोइशियोमेट्री है आपकी क्रिस्टल की वो चेंज नहीं होती। राइट, टॉकिंग अबाउट नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, स्टोइशियोमेट्री आई हैव टोल्ड यू इज मेजर ऑफ एलिमेंट्स। नॉन स्टोइशियोमेट्रिक में क्या होता है, आपके जो क्रिस्टल है उसके बीच जो रेशियो होता है केटायंस और एनायंस का वो समहाउ डिस्टर्ब हो जाता है एंड दिस इज नोन एज नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ओके, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट एनायंस हैं या केटायंस हैं किसी का एक्सेस होगा या किसी की डिफिशियंसी हो जाएगी विच विल लीड टू नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स। ऑलराइट, नाउ कमिंग टू नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, अब बात करेंगे कितने तरीके का नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्रिस्टल में दिखता है, उसके बेसिक रीजंस क्या हैं और इस चैप्टर से जो नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है इससे आपकी न्यूमेरिकल्स काउंसिल पूछती है विच आर रियली इंपॉर्टेंट और वो एक या दो मार्क्स में पूछे जाते हैं। वी विल डू वन न्यूमेरिकल ऑल्सो टूडे, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। कमिंग टू नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, अगर हम इसका बेसिक बाइफिकेशन या बेसिकली इसको क्लासीफाई करें तो कैसे करेंगे ब्रॉडली, इट इज डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। देखो, जब भी डिफेक्ट आएगा या तो उसमें किसी चीज़ का एक्सेस हो रहा होगा या डिफिशियंसी हो रही होगी। हम यहाँ पे मेटल को लेके बात करते हैं तो मेटल की या तो एक्सेस है आपके क्रिस्टल में या मेटल की डिफिशियंसी है एंड दिस विल कॉज अ चेंज इन दी स्टोइशियोमेट्री। सो कमिंग टू दिस, अब क्योंकि दो तरीके के मैंने आपको बोला, अब पहला आपका जो डिफेक्ट है दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, नाम से पता चल रहा है, आई ऑलवेज टोल्ड यू प्लीज स्टिक टू द लिटरल मीनिंग्स। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब मेटल ज्यादा है, दूसरा है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, डेफिशिएंसी इज कमी, किसी की शॉर्टेज है। सो आइदर मेटल की शॉर्टेज होगी या मेटल की डेफिशिएंसी होगी, सॉरी, या मेटल एक्सेस में होगा। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है इसको अगेन हम क्लासिफाई करते हैं, या अगर आप क्लासिफिकेशन में नहीं बोलना चाहते तो वी कैन सिंपली सम अप कि ये बेसिकली दो रीजन से होता है। ओके, सो देयर आर टू रीजंस व्हिच आर अकाउंटेबल फॉर कॉजिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी का एक ही है आपका रीजन और इससे ही न्यूमेरिकल आएगा। सो न्यूमेरिकल के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके, राइट नाउ वी विल स्टिक टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल ज़्यादा कैसे होगा, या तो उसमें एनायन चला जाए, एक रीज़न ये हो सकता है कि उसमें से एनायन गायब हो जाए जिस वजह से पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए तो मेटल एक्सेस है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा मेटल आ जाए, मतलब एनायन अपनी जगह से चेंज नहीं हो रहा बट क्योंकि केटायन स्मॉल है साइज में, इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, इनकॉन्स्पिक्यूअस कंपेयर टू द साइज ऑफ एनायन, वो अपनी जगह बदल के आए और इंटरस्टिशियल साइट में बैठ जाए। सो दिस कैन बी अनदर रीजन फॉर कॉजिंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, स्टिल आई एम टेलिंग यू अगेन, जब भी कोई सॉलिड का क्रिस्टल और उसके एटम्स की हम अरेंजमेंट देखेंगे, लेट सपोज दिस इज सम क्रिस्टल, ये उसके एटम्स की अरेंजमेंट हैं। सो इन द सेंटर यू विल सी सम वेकेंट स्पेसेस, ये जो वेकेंट स्पेसेस क्रिस्टल लैटिस में दिख रही हैं इन्हीं स्पेसेस को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और कैटायन समटाइम्स आके यहाँ पे बैठ जाता है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये हमने कहाँ पे देखा था ऐसा डिफेक्ट जब कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट्स में बैठ रहा था। सो देर आर टू रीजंस फॉर मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच आर, फर्स्ट इज योर अगेन एनायनिक वेकेंसीज क्रिएट हो जाएं और दूसरा रीजन है आपका वहाँ पे इंटरस्टिशियल साइट पे आके केटायन बैठ जाए। ऑलराइट, नाउ वील स्टार्ट विद मेटल एक्सेस डिफेक्ट में जो पहला डिफेक्ट है वो क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ एनायनिक वेकेंसीज।
वैकेंसी क्या होती है? वैकेंसी इज किसी चीज़ की अगेन शॉर्टेज या वहाँ कमी, सो दैट इज़ वैकेंसी। वैकेंसी वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, राइट? सो एनायनिक वैकेंसी का मतलब है वहाँ से एनायन का गायब हो जाना या एनायन की कमी, ओके? सो बेसिकली एट दैट पर्टिकुलर प्लेस इन अ क्रिस्टल द एनायन गोज मिसिंग, सो अ वैकेंसी इज क्रिएटेड, उसकी जगह बच गई है खाली, एंड दैट इज़ वाई वी टर्म इट एज एनायनिक वैकेंसी। हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लेंगे, वी कंसिडर दैट इट इज़ अ वेरी परफेक्ट क्रिस्टल, सो वी विल टेक इन टू कंसिडरेशन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल राइट नाउ। अब मैं उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाऊंगी एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ दिस एनायनिक वैकेंसी इज क्रिएटेड। ऑलराइट, लेट्स सी दैट। सो मान लेते हैं कि दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड, ओके? सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, तो इसमें क्या होगा, आपके सोडियम आयंस होंगे एंड आपके क्लोराइड आयंस होंगे। सो लेट्स मार्क इट एज Na प्लस, दिस आई एम टेलिंग यू जस्ट फॉर यू नो बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोर्ड्स में इसको कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे कि हाउ इज एनायनिक दिस वैकेंसी क्रिएटेड या मेटल एक्सिस डिफेक्ट को डिफाइन करो, दे विल नॉट आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस। बट व्हाई आर वी स्टडिंग इट, वी आर स्टडिंग इट टू हैव अ क्लियरर अंडरस्टैंडिंग कि ये डिफेक्ट आता क्यों है और इसको हम क्या क्या रीजंस हैं इसके, सो दैट इज़ व्हाई वी आर स्टडिंग इट। दे कैन आस्क यू किससे चेंजेस क्या आते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि एनायनिक डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या चेंजेस क्रिस्टल में आ सकते हैं, ओके? दे विल आस्क यू क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दिस स्पेसिफिकली। उन्होंने जो 3-4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं काउंसिल ने, दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, बट दे विल नेवर आस्क यू हाउ इज इट क्रिएटेड। स्टिल फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यू शुड नो हाउ इट इज क्रिएटेड। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, लेट्स अज्यूम दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड। ना, ये आपका क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, सोडियम आयंस है, क्लोराइड आयंस है ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट। नाउ इफ वी पास वेपर्स ऑफ सोडियम ऑन दिस क्रिस्टल, या इफ वी कीप दिस क्रिस्टल इन वेपर इन एन एटमॉस्फेयर हैविंग वेपर्स ऑफ सोडियम, जब हम इसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रखते हैं जहाँ पे सोडियम के वेपर्स प्रेजेंट हैं, ओके? सो व्हाट विल हैपन, जो सोडियम एटम है, नाउ आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड आयन या कैटायन, ठीक है? सोडियम के जो एटम्स हैं दे विल कम एंड डिपॉजिट ओवर हियर, ओके? सो सोडियम एटम्स दे विल कम एंड डिपॉजिट ऑन द सर्फेस, एंड वॉट विल दे डू, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट द क्लोराइड आयन्स। क्लोराइड आयंस जो यहाँ सरफेस पे हैं, दे विल कम एंड दे विल यू नो इंटरैक्ट विद द सोडियम एटम्स, और वो क्यों करेंगे, दे विल ट्राई टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम एटम है, ठीक है, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है, वहाँ से आया इधर क्लोराइड आयन, सो दे विल ट्राई टू फॉर्म NaCl, बट वॉट विल हैपन इन द कोर्स कि जो Na है ना, दैट विल लूज इट्स इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, इट विल चेंज इनटू Na प्लस, इट विल रिएक्ट विद Cl माइनस एंड इट विल फॉर्म NaCl, ठीक? नाउ NaCl तो बन गया, सोडियम का मैटर सॉल्व हो गया, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या आई इधर, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट, दिस इलेक्ट्रॉन विच इज लेफ्ट बिहाइंड, अब लेट्स अज्यूम कि ये वाला क्लोराइड यहाँ से चला गया, ओके? दिस क्लोराइड हैज़ गॉन, इट हैज़ फॉर्म्ड NaCl, ओके? ये जो यहाँ पे जगह क्रिएट हो गई, ये कौन भर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से जाएगा, इट विल गो एंड इट विल ऑक्यूपाई दिस स्पेस प्रेजेंट ओवर हियर। जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन है वो गया यहाँ पे और उसने ये जगह ऑक्यूपाई कर ली। नाउ द थिंग विच यू हैव टू नोट इज, अगर आप अभी भी देखेंगे क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी मेंटेन्ड है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मतलब अभी भी जो क्रिस्टल है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि क्लोराइड गया, -1 का चार्ज यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ने आके ले लिया, दैट इज फुलफिल्ड, राइट? बट स्टिल द नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इज मोर कंपेयर टू द क्लोराइड एटम्स। अगर आप देखो यहाँ पे, राइट, यहाँ पे सोडियम के जो आयंस हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कंपेयर टू दैट अगर क्लोराइड के आयंस चेक करें तो 1,
टू थ्री फोर एंड फाइव. सो स्टोइचियोमेट्री इज नाउ डिस्टर्ब्ड बट द चार्जेस आर स्टिल सेम. प्लस सिक्स का चार्ज सोडियम के वजह से है और माइनस सिक्स का यहाँ पे क्योंकि माइनस फाइव क्लोराइड आयन से और एक आपका इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से आया था उसका एक माइनस वन. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी स्टिल मेंटेन्ड बट वेयर इज द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे तो जगह क्रिएट हो गई है, क्लोराइड कम हो गया है, स्टोइचियोमेट्री इज डिस्टर्ब नाउ. सिंस नाउ हियर वी हैव दिस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, क्वेश्चंस अब यहाँ से आएंगे कि व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन अ क्रिस्टल बिकॉज ऑफ मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएटेड बाय एन आयनिक वेकेंसीज. दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस. सो व्हाट आर द प्रोबेबल चेंजेस इन द क्रिस्टल. पहला चेंज, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एनहेंस हो जाएगी. ओके, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी या एनहेंस होगी. दूसरा चेंज क्या आएगा इस क्रिस्टल में, इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक. नाउ व्हाट इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंसेस जो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाते हैं बट दे कांट रिटेन इट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज पैरा मैग्नेटिज्म. सो दिस विल शो अ पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर. थर्ड, अब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे आपका एनायन गया है और उसकी जगह कैटायन ने ली है. सो बट स्टिल कंपेयर टू दैट एनायन, जो क्लोराइड का गया है आयन यहाँ से, उसकी कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है एंड देयरफॉर द डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज. ओके, क्वेश्चंस इन तीनों से पूछ सकते हैं कि व्हाट विल बी द प्रोबेबल चेंजेस इन द क्रिस्टल. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज क्या आएगा क्रिस्टल में. अब सोडियम क्लोराइड जो प्योर वाइट आपका दिखता है, आपने देखा होगा सॉल्ट विच इज यूज्ड एट योर होम्स ऑल्सो, सो दैट इज वाइट इन कलर. ओके, बट अगर उसमें ये डिफेक्ट आ जाए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट बिकॉज ऑफ एनायनिक वेकेंसीज, वो देगा, वो येलोइश कलर दिखेगा कभी कभी आपको. इट विल टर्न इनटू येलोइश इन कलर. रीजन बीइंग, उसका रीजन है जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है दैट विल कीप ऑन अब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. वो येलो की वेवलेंथ को अब्जॉर्ब करेगा, एक्साइट होगा एंड वेन एवर इट विल गेट इनटू द एक्साइटेड स्टेट इट विल गिव अ येलोइश कलर टू द क्रिस्टल. ओके, और क्वेश्चंस पूछते हैं वो मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वजह से जो आपके और क्रिस्टल्स हैं उनमें क्या कलरेशन आता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नोट इट डाउन समवेयर. लिथियम क्लोराइड में अगर लिथियम एक्सेस में है, राइट, इट विल टर्न इनटू पिंक कलर. ओके, सिमिलरली इफ देयर इज एक्सेस ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम क्लोराइड इट विल गिव अ वॉयलेट कलरेशन. ओके, वेन एवर दिस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन विल अब्सॉर्ब दैट वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट पर्टिकुलर कलर विल बी रिफ्लेक्टेड इन द क्रिस्टल एज वेल. ओके, सो आई होप आपको एनायनिक वेकेंसीज की वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है मस्ट बी क्लियर टू यू राइट नाउ. ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन एट एनी टाइम. सो कमिंग टू द सेकेंड रीजन फॉर मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो फर्स्ट रीजन था हमने पढ़ लिया है दैट इज यू नो क्रिएटेड बिकॉज ऑफ एनायनिक वेकेंसीज. सेकेंड वन, द सेकेंड रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम इज presence of cations in the interstitial site. So this is the second reason which causes metal excess defect. Kya hota hai, there are certain salts, okay, they you know wo kabhi kabhi kya karte reversibly, jaise let's consider with an example, shayad aapko zyada samajh aayega. Let's take example of zinc oxide.
ठीक है। जिंक ऑक्साइड के केस में क्या होता है, जिंक ऑक्साइड आपका जो सॉल्ट है, व्हेन यू हीट इट, आपने पढ़ा भी होगा नाइन्थ में, आपको जब सॉल्ट्स के आइडेंटिफिकेशन आते हैं नाइन्थ एंड टेंथ में, व्हेन द सॉल्ट इज गिवन टू यू इट इज वाइट इन कलर, द मोमेंट यू हीट इट आफ्टर स्ट्रॉन्ग हीटिंग इट टर्न्स येलोइश इन कलर। ओके, सो जिंक ऑक्साइड के केस में क्या होगा, जब आप सॉल्ट को हीट करेंगे वो रिवर्सिबली क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ देगा, ठीक है। सो अब जब ऑक्सीजन वहां से चला गया, राइट, ऑक्सीजन वहां से चला गया, तो बचेगा क्या क्रिस्टल में, एक्सेस में, लेट सपोज दिस इज अ क्रिस्टल ऑफ जिंक ऑक्साइड, हम मान के चलते हैं ऐसा, Zn पे प्लस टू का चार्ज है, ऑक्सीजन माइनस टू का चार्ज है, सो वी आर कंसिडरिंग इट लाइक दिस, ओके। सो व्हाट विल हैपन, जब ये हीट अप करोगे क्रिस्टल को, एट टाइम्स ये ऑक्सीजन वहां से निकल जाएगा और आपकी जो एक्सेस में क्या होगा, जिंक होगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे दो। अब ये जो जिंक है, अगर ये यहाँ पे जगह जाके ले ले कहीं ऐसे इंटरस्टिशियल साइड में प्रेजेंट हो जाए, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन क्रिएट cations in the interstitial site, so your cations will increase and this will again lead to your metal excess defect, right? So presence of cations in the interstitial sites, again isme aapko ye kuch nahi puchenge ki how is it created, the council will only ask you what, you know, what are the probable changes related to it, and again इसका एग्जाम्पल एक जिंक ऑक्साइड का वो पूछ सकते हैं कि किस क्रिस्टल में ये दिखता है। सो जिंक ऑक्साइड इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, आप कभी भी दे सकते हैं। सो जिंक ऑक्साइड के केस में जिंक ऑक्साइड क्यों ऐसा करता है, बिकॉज इट रिवर्सिबली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हट जाता है, जिंक वहाँ एक्सेस में हो जाएगा, वो इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर सकता है, ओके। सो दिस विल अगेन लीड टू presence of cations in interstitial sites and this will cause metal excess defect. Now, the thing which is left for your non-stoichiometric defect is your metal deficiency defect. Okay, and for metal deficiency defect, I'll create a separate video, because in this we have to cover certain numericals as well, and this we'll cover in our upcoming video. And if you want me to cover any specific topic, please let me know in the comment section, I'll be happy to do that. And let's meet again for studying metal deficiency defect, okay. So see you all, take care and bye bye.